पेशेंस के साथ लोग देख लीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी तकरीबन 12:30 हो गए हैं, नाश्ता वगैरह तो मैंने सुबह ही कर लिया था, अभी मैं पीने लगा हूँ जी कॉफी, तो ब्लैक कॉफी आपको पता नहीं नजर आएगी कि नहीं आएगी। कल ही लेके आऊँ तो मैंने सोचा कि अपना जो वेट लॉस है वो स्टार्ट करे, तो एक्सरसाइज तो मैं कर ही रहा हूँ, मैंने सोचा साथ साथ थोड़ा सा वेट लॉस जो है वो भी थोड़ा सा कर ले। तो वैसे भी ब्लैक कॉफी अच्छी होती है माइंड के लिए, ज्यादा से ज्यादा आइडियाज आए, क्रिएटिव आइडियाज आए, तो इसी वजह से मैं लेके आऊँ, देखते हैं कि इसका फायदा ब्लॉगिंग में होता है कि नहीं होता। तो अभी मैंने ये मैं नाम स्टार्ट किया, अभी मैंने कोई सिप नहीं लिया, पहले मैं इसका सिप लूंगा, फिर इंशाल्लाह पता चलेगा कि आगे ब्लॉग में कोई क्रिएटिविटी आती है कि नहीं आती। अभी मैं पी लूँ कॉफी, फायदा वे कर भी बहुत ज्यादा है, तो चीनी वगैरह मैंने नहीं डाली हुई, तो कोई शुगर नहीं है, तो सिर्फ कॉफी है, वो भी पानी में बनी हुई ब्लैक कॉफी। तो हमारा एक दोस्त है मलक मोहसन, तो मलक मोहसन से हमने स्पेशल जो उसके साथ एक पार्टी थी तो वो लेनी थी, तो काफी अर्से से हमारी वो पेंडिंग जा रही है, तो वो डेट पे तरीक दी जा रहा है, तो मेरे जहन में अभी वो डायलॉग आ रहा है सनी देओल का, डेट पे साहब ये वाला डायलॉग। तो ये कल रात का जो सीन मैं अभी आपको दिखाने लगा, तो ये कल रात का सीन है, तो मलक सब हमें मिल गए दुकान पे, फिर हम उनके पास गए थे, तो पहले आप वो सीन देखे, तो फिर चला नेक्स्ट लोग जो है वो आगे स्टार्ट करते। तो अभी रात के बज चुके हैं 8, तो मैं खाने लगा अभी रात का खाना। तो अभी यहाँ पे मलाई जो है वो गर्म हो रही है, तो इसका बनेगा घी, देसी घी, तो ये अभी गर्म हो रही है, तो मैं अभी खा लूँ खाना। अभी मैं आ गया हूँ जी अली भाई की दुकान पे, और मुजम्मल भाई भी आ गए, और मलक साहब का इंतजार था हमें काफी दिनों से, तो मलक साहब यहाँ आके बैठे हुए हैं, तो अभी थोड़ा सा बिजी हैं, तो मलक साहब से कुछ सवाल आते हैं हमारे और मेरे और मुजम्मल भाई के, तो वो सवाल अभी करने हैं इनसे। कहाँ से लिए? यार ली कहाँ से है? ये ऑनलाइन मंगवाई, ऑनलाइन मंगवाई है, प्यारी है यार, मैं 5 रुपए लेके आने लगे तेन देने वास्ते। मलक साहब पहला सवाल ये कि इतने दिन कहाँ रहे हो? इतने दिन यार बस बिजी। नहीं, कौन सा काम है जिसमें बिजी थे? यार दरअसल ऐसा काम है कि सालाना भी एंड जा रहा है, सालाना मंथली भी एंड है, क्लोजिंग हो रही है हर काम की, जो से प्राइवेट सेक्टर है ना वो मंथ के एंड पे ना क्लोजिंग जरूर, ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड भी है मंथ एंड भी है। अच्छा अच्छा, इसी वजह से ना सही सही मसरूफियात। नहीं ये तो अगला मंथ शुरू हो गया ना अब? नहीं नहीं यार, कौन सा अगला मंथ? दिसंबर यार, सालाना तो एंड है ना। हाँ वो ही ये एंड हुआ है ना, एंड है, हाँ। मंथ भी एंड है, कंपनी कह रही है कि अच्छा वो कह रहा है कि जोन सा लास्ट मंथ चल रहा है, जोन सा क्रेडिट होगा होता है ना, जोन सा मसलन के जो भी कंपनी होता है वो क्लियर करना, 0-0 करना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसीलिए ज्यादा मसरूफियात है। सही सही। अच्छा टारगेट अचीव कर लिया कि नहीं? नहीं यार, मैं दरअसल तीसरा माह जा रहा है, टारगेट कहाँ से पूरे होंगे, तो जो अगला साल आ रहा है ना। एक मिनट रुक तो जाओ, अभी लोगों को यही नहीं बताया हमने कि आप काम क्या कर रहे हो। मैं पेस्टिसाइड का काम करता हूँ, फील्ड वर्क। सही सही, ग्रीन कंपनी, सही हाई ग्रीन केमिकल। तो ये क्या काम है? ये पेस्टिसाइड जरिए अद्वियात। अच्छा, जरिए अद्वियात है जो किसानों को देनी है जी। जो पेमेंट आएगी कि नहीं इस मंथ की? कौन सी पेमेंट? तनख्वाह जब होगी ना क्लियर, ये सब जोन से क्रेडिट कराए हुए हैं वो तब आएगी। अच्छा, वो क्लियर नहीं हुई अभी? नहीं अभी नहीं क्लियर हुई, अभी 2-4 दिन लगे। अच्छा, सबसे जो अहम सवाल है, बड़ा सवाल, पिछले मंथ की मिली थी? वो तो खा पी ली। नहीं, इधर जो हम बैठे हैं, जो ये मुजम्मल भाई बैठे हैं, तो आप बैठे हो, वादा किया हुआ है हमारे साथ, तो कब पूरा करना है? नहीं कब? नहीं, 2-4 दिन। हाँ हाँ, अनकरीब की कोई हद नहीं है। हाँ, 2-4 दिन में कोई दो चार दिन बस, ज्यादा 2-4 दिन मैं कह रहा हूँ ना, क्रेडिट वो क्लियर करना है तो फिर ही होगा ना, तो 2-4 दिन लग जाने, 2-4 दिन आज क्या? ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन बस। आज क्या डेट है वैसे? आज 7 डेट है। मैं कह रहा हूँ ना, 2-4 दिन। 13 तारीख ठीक है, 13 तारीख को दम है, 13 या 14 ज्यादा से ज्यादा। 13 का 2-3 दिन का यार, 12 भी हो सकती है, 5 दे दिए। तो जो हमारा काम है वो 2-4 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। 13 तारीख यही है, 12 या 13 एंड है, 13 एंड हो सकती है। मैं कहता 13 कह दो, 14 भी हो सकती, इस तो नहीं जा सकते। 14 एंड हाँ इंशाल्लाह, 14 एंड है।
ठीक हो गया। तो ऐसा है जी, मलिक साहब ने डेट तो हमें दे दी है, तो अभी देखते हैं उस डेट पे व्लॉग आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी मैं बैठा वीडियो वगैरह देख रहा था और मेरी कॉफी भी खत्म हो गई है और लाइट चली गई है। तो अभी हम आ गए यहाँ पे पानी लेने के लिए। तो ये चरखा लगा हुआ है यहाँ पे, चरखा क्या लेके क्या कहते हैं, चरखा कह रही है मैंने, ये पता नहीं क्या है। तो ये भी यहाँ पे लगा है, नलके भी लगे हैं, तो वैसे यहाँ से मैं पानी भर लेता हूँ। तो हमारा जो कैन है वो बढ़ चुकी है, जहाँ पे जल्दी बढ़ जाती है। तो अभी खड़कते हैं उस मोटरसाइकिल पे। देख तो यहाँ से ना लीक बहुत कर रही है कैन, यहाँ से फटी हुई है। अभी तकरीबन 3 बज चुके हैं, तो मैं और मतलब भाई जा रहे थे अली की दुकान पे, तो मैं मलक बोसर बैठा हुआ अली की दुकान पे अभी। तो मलक बोसर गलती से हमें मिल गया दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, की हाल चाल है? और भी कितना, और भी भाई अजीम क्या हाल चाल? मलिक क्या हाल चाल है, ठीक ठाक? अभी तकरीबन 6:30 हो गए हैं, तो बिल्ली गई हुई है तकरीबन 1 बजे से गई हुई है। तो अभी आई थी सिर्फ 15 मिनट के लिए, तो अभी फिर चले गए। तो मैं यहाँ पे बैठा अपना ब्लॉग वगैरह एडिट कर रहा था, तो अभी दोबारा बिजली चली गई है। तो वैसे मैं अभी एक्सरसाइज करके हटा हूँ, तो ये मैंने एक्सरसाइज की वर्दी वगैरह पहनी हुई है। तो आज वाला ब्लॉग जो है थोड़ा सा समझ मेरी से भी बाहर है, तो आपकी भी समझ से बाहर होगा। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस के साथ ब्लॉग देख लीजिएगा अगर आपने यहाँ तक देखा है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो ब्लॉग आएंगे, तो वो अभी लाइट आ गई है, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो ब्लॉग आए वो अच्छे आ जाए। अगर नहीं अच्छे होंगे तो फिर मैं नहीं डालूंगा। तो फिलहाल बिजली आ गई है, तो अभी मैं दोबारा ब्लॉग एडिट कर लूँ। तो सब्सक्राइबर्स बिल्कुल नहीं आ रहे मेरे चैनल पे, तो पता नहीं ये चैनल कैसे चलेगा। अभी तक मैंने 100 वीडियोज जो है वो डाल दी हुई है ब्लॉगिंग की, बाकी जो बाइक की मैंने पहले डाली वो लेता है। ये 100 वीडियोज सिर्फ ब्लॉग्स जो है जो मेरे, तो वो है जिनमें से मैंने 3 ट्रिप किए हैं। एक लाहौर का ट्रिप था, एक स्कर्दू तक का ट्रिप लगाया मैंने, और एक मुल्तान का ट्रिप लगाया मैंने, और कोई ट्रिप हो, हाँ ये तकरीबन 3 ट्रिप हैं इन 100 वीडियोस में। तो अभी तक व्लॉग्स, अभी तक जो सब्सक्राइबर हैं वो नहीं है। ये जो 2-3 व्लॉग्स मैं खुद भी नोट कर रहा हूँ कि कोई स्पेशल कोई अच्छे किस्म के मुझे क्वालिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि मैंने ब्लॉग छोड़ दिए। तो ये भी ब्लॉग कुछ ऐसा ही है, तो समय से बाहर होगा आपकी। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। तब तक इतना ही, अल्लाह।